दोस्तों एक मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ जी, हमारे मुल्क में जो आजकल चल रहा है कि इसको फेल कर दो, इसको पास कर दो, इसको फेल कर दो, ये इख्तदार में ना आए, हम इख्तदार में, ये लोग जो जितने भी हैं जे मुल्क में, दुनिया में, मुल्क में मैं नहीं, दुनिया में ये अमन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आपस में जो लोग लड़ते रहें। ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना उससे पहले का ये सिलसिला है। ये लोग नहीं चाहते अमन हो। जो ऐसा कोई सरबराह उठता है कि ये मैं मुल्क में अमन करूं, उसको ये मार देते हैं, उसको जीने नहीं देते। ये जो हमारे मुल्क में ये आजकल चल रहा है, ये सिर्फ जो लोग ये जो हुक्मरान जो ये सियासतदान मुल्क में अमन चाहते हैं, वो उनको कोई नहीं जगह मिलती, ना तो कुछ अवाम भी उसमें शामिल है और कुछ सियासतदान भी शामिल है। इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी देख लो, ये इराक में देखो क्या हुआ, ये फलस्तीन में देखो क्या हो रहा है, ये कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, ये जो लोग अमन चाहते हैं वो कभी ऐसे काम नहीं करते, कभी वो तोड़ फोड़ नहीं करते, कभी वो किसी चीज को जलाते नहीं। जो अमन नहीं चाहते वो ऐसा काम करते हैं, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं इसको नहल करने का। दोस्तों ये मुल्क सबका है, एक का मुल्क नहीं है, ये सबका मुल्क है। इस मुल्क में अमन होगा जी तरक्की होगी। जैसे हम पहले जो आधा मुल्क दे चुके हैं, तो ऐसे ही फिर कोई ऐसा वाक्या होगा बकाया भी दे जाएंगे। दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए हर आदमी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं ये नहीं चाहते कि किसी जगह अमन हो। अभी भी देखो जे क्या हो रहा है इराक में, शाम में क्या हो रहा है और दूसरे कई ममालिक जो अमन चाहते हैं उनका देखो, उन्होंने तगोदौ की तो वो मुल्क में अमन है। ये हमारे पड़ोस में ईरान है, वहाँ देखो कोई जलसा जुलूस नहीं होता, अमन है। कुवैत में देखो अमन है, ये भी मुल्क अलहदा हुए ना। रूस के कई रियासतें अलहदा हुई हैं, वहाँ अमन है, मगर उनके हुक्मरानों ने अपने मुल्क के लिए काम किया। तो जो हमारे सियासतदान मुल्क के लिए काम सोचते हैं वो अमन चाहते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं हमें हुक्मरानी मिले, हमें जे कुर्सी मिले, हमें जे प्रोटोकॉल मिले, हमें जे गार्ड फॉरनर मिले, ये लोग वो चाहते हैं कि मुल्क में अमन ना हो, हमारी हुकूमत रहे, दूसरे की हुकूमत ना आए। तो वो मुल्क के दो टोटे भी कर देते हैं, वो मुल्क में इंसानों को मारते भी हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। तो ये हमारी आवाम को इसमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, अल्लाह ताला इनको सोचने की, इनको मुल्क के बारे में सोचने की अल्लाह ताला तौफीक दे।
देखो ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की शोहरत, ये सिर्फ यही रहने जानी है। कब्र में हर किसी ने जाना है। अपनी कब्र के बारे में सोचो, अपनी हुक्मरानी के बारे में ना सोचो। ये हुक्मरानी 2 दिन की है, आगे के बारे में सोचो, आगे के बारे में, इकतदार के बारे में सोचो, आगे की शोहरत के बारे में सोचो। उसके लिए यहाँ से जो भी सौदा है वो खरीदना पड़ेगा, इसी दुनिया से खरीदना पड़ेगा। जो आप अच्छा काम करोगे, जो इंसानियत के बारे में अच्छा सोचोगे, तो ये आपको आगे भी अच्छाई मिलेगी, आगे भी आपको हुक्मरानी मिलेगी, आगे भी आपको शोहरत मिलेगी, आगे भी आपको प्रोटोकॉल मिलेगी। जे दोस्तों, जे हर आदमी पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ तो है ही नहीं, जहाल तो कोई है ही नहीं, बहुत बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, हर चीज़ को समझते हैं, इनके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि शैतान इधर आने नहीं देता, शैतान दूसरी साइड पे लेके जाता है। शैतान इंसान की भलाई चाहता ही नहीं, शैतान हर वक्त यही सोचता है कि ये जो इंसान है ये लड़ता रहे, बेअमन रहे, ये अल्लाह के बारे में कुछ सोचे ही ना, अल्लाह की इबादत के बारे में कुछ सोचे ही ना। शैतान सब हर वक्त यही चाहता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका, जो हुक्मरान होता है अगर थोड़ा भी वो नेकी करे, उसकी कई गुना ज़्यादा नेकी लिखी जाती है। तो ये मौका मिलता है, जो भी दोस्त अपनी हुक्मरानी की सीट पे बैठता है, उसमें बहुत सी जिम्मेदारी पड़ जाती है। वो पूरी जितना भी इलाके का काम करता है, जितने भी उसके अंडर आदमी हैं, जितने भी दो उनके मुलाजम हैं, उनका सारा को हिसाब उसके पास है, चाहे वो नेकी का काम कर ले, चाहे बदी का काम कर ले, यही आगे आगे के लिए ये समान है। खुदा हाफिज़।